अगर आपको सोल्डिंग करने नहीं आता है, अगर आप एक डिप्लोमा करने वाले छात्र हैं, या फिर अगर आप रिपेयर डिवाइस रिपेयर करने वाले कोई स्टूडेंट या फिर कोई एक न्यू रिपेयरिंग मास्टर हैं, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशोर कुमार और आप देख रहे हैं ER ग्रेट यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा प्रॉपर वे में सोल्डिंग कैसे किया जाता है। दोस्तों यह मैं 100% गारंटी देता हूँ कि यह आप सीख जाएंगे। क्यों भाई, प्रोजेक्ट पसंद आया ना? पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो यार, उसके बाद एक घंटा आएगा उसे भी बजा डाल यार, मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगा एक किट का, या फिर आप वायर में सोल्डर करना चाहते हैं तो वायर, या फिर अगर आपको बैटरी में सोल्डिंग करने में दिक्कत होता होगा दोस्तों, तो मैं इसे भी आज आप लोगों को सोल्डिंग करने बताऊँगा। तो सबसे आसान है दोस्तों वायर या फिर किट में सोल्डर करना। तो मैं उसके लिए सोल्डर करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इस तरह का पेस्ट खरीद लेना है। पेस्ट दोस्तों यह फ्लक्स के रूप में काम करता है, और एक सोल्डिंग वायर जिसे रंग भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन सोल्डिंग वायर है ना, और एक सोल्डिंग आयरन। सोल्डिंग आयरन दोस्तों हम लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या होता है, जो अगर सोल्डिंग करने नहीं आता है जिसे, उसका मेन प्रॉब्लम होता है कि सोल्डिंग आयरन को सही से हीट होने ही नहीं देता है, जितना हो सके वह हीट हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 300 वोल्ट पे लगा दिया और मतलब हीट होते रहे, लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, इसमें एक कॉइल लगाया जाता है, वह कॉइल उड़ भी सकता है, ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो यह क्या है, 240 वोल्ट दे दें या तो फिर 220 वोल्ट, ठीक है, जितना वोल्ट है हाउस होल्ड में उतना ही मतलब उतना ही करंट से यह हीट होने दे, ठीक है। यह फुल हीट होने के बाद दोस्तों क्या होगा कि इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फ्लक्स को यहाँ पे रखना है पेस्ट को। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ पे टच करता हूँ तो यह देखिए धुआँ उड़ता है। अगर धुआँ नहीं जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको जो है दोस्तों सबसे पहले इसके सरफेस को रफ कर लेना है, इसको थोड़ा रफ कर लेना है। रफ करने के बाद देखिए यहाँ पे अपने से खुद से रफ हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर रफ कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों इसको मैं यहाँ पर एक बार टच करता हूँ, और यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चिपक जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर इसको हटा लेता हूँ। उसके बाद से सोल्डिंग किस प्रकार से किस तरह से करनी है हमें एक वायर में, सबसे पहले वायर में मैं बताता हूँ आप लोगों को सोल्डिंग करना। तो ये रहा मेरा वायर, मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए बहुत प्रॉब्लम होता होगा आपको वायर में सोल्डिंग करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसके पेस्ट में लगाना है, मेन रोल पेस्ट होता है, पेस्ट के कारण ही जो सोल्डिंग वाला वायर है वह इसमें अट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले पेस्ट को यहाँ पे इसमें लगा लेना है, देखिए पेस्ट डायरेक्ट इसमें जो जितना भी सारा मेरा सोल्डिंग आयरन में चिपका हुआ था वह वायर में चिपक गया, ठीक है। तो उसके बाद से वायर, इस वायर को यहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों ये जो सोल्डिंग वायर है इसमें हमें कुछ इस तरह से करना है, देखिए किस तरह कितनी आसानी से इसके वायर में सोल्डिंग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों वायर में सोल्डिंग कर सकते हैं, देखिए देखिए वायर में कितनी आसानी से कितने अच्छे से सोल्डर हो गया है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को किट में बताता हूँ सोल्डिंग करना। तो किट में दोस्तों सोल्डिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है, बस पेस्ट को थोड़ा सा यहाँ पे आप लगा देना, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपको सोल्डर करना है तो यहाँ पर आप लगा दें इस पेस्ट को, और थोड़ा सा पिघला देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, और सोल्डिंग वायर को यहाँ पे दे देना है और इसको इस तरह से सोल्डिंग कर देनी है, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सोल्डिंग हो गया है, तो किट में यह सोल्डिंग हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते होंगे कि मैं मुझे बैटरी में सोल्डिंग करनी है तो बैटरी में कैसे सोल्डिंग करेंगे, देखिए मैं पहले से सोल्डिंग कर रखा हूँ और बीच वाले में सोल्डिंग नहीं है, तो मैं बीच वाले में सोल्डिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पे आप सोचेंगे कि सोल्डिंग कर लिया है पहले उसके बाद दिखा रहा है, ठीक है। बीच वाले में सबसे पहले क्या करना है हमें कि ये जो है पेस्ट, इस पेस्ट को यहाँ पे रखना है ना, ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पर थोड़ा इसको भिगा लेना है, ठीक है। जैसे इसको मैं खोल दिया हूँ दोस्तों, ठीक है, और इसको भी मैं खोल देता हूँ,
हाँ चलिए ये भी ओपन हो गया। उसके बाद इसी वायर को हमें, या तो फिर इस वायर को जिस वायर में हमें अभी सोल्डिंग किया है ठीक है, इस वायर को हमें यहाँ पे बैठाना है ठीक है। तो इसको यहाँ पे जस्ट पुट करना है, इसको पुट करने के बाद इसे जस्ट प्रेस करके ऐसे कर देना ठीक है, और थोड़ा सूखने दे दोस्तों ताकि यह उतड़े ना। तो यह कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग हो जाएगा। देखिए यह सूख चुका है पूरी अच्छे तरह से, और आप देखेंगे इसको यहाँ पे, तो देखिए यह नहीं उचल रहा है देखिए। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे सॉल्डिंग हो गया है दोस्तों ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।